UK 07 नंबर बुलेट, जिसमें पीछे वाली ने हेलमेट नहीं पहना है, हमें बर्फ दिखने लग गई है। ऑल राइट, वो देखो गाइस, सामने बर्फ के पहाड़। फ्यूल अभी काफ़ी है, मतलब अच्छी खासी एवरेज भी निकल रही है पहाड़ों पे। देख लो, ऐसे ऊपर चढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो गई है। दोस्तों वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू दी न्यू एपिसोड ऑफ चिल वैली। तो सबसे पहले मैं आपको नज़ारे दिखा देता हूँ यहाँ पे। वो देखो भाई, ऊपर धूप आ चुकी है, टाइम हो रहा है अराउंड 7:30-8 बजने वाले हैं और हम चेन क्लीन एंड ल्यूब करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। बाइक की हालत देखते हैं कि क्या रिव्यू है बाइक का, फिर निकलेंगे आगे अपनी डेस्टिनेशन पे जो कि होने वाला है हर्षिल वैली। तो गाइस हम लोग जा ही रहे थे चेन क्लीन एंड ल्यूब करने के लिए, तो उससे पहले भैया चाय लेके आ गए, तो चाय एंजॉय करते हैं अभी यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग रात को काफ़ी लेट हो गए थे, तो हमने यहाँ पे अपना जो है ना स्टे ले लिया था। यह है होटल श्री शक्ति, बहुत ही बढ़िया स्टे है, बहुत ही कोजी स्टे है। एंड ये देखो भाई, हम लोगों के बाइक्स सामने ही लग गई थी। ये रही मेरी बाइक, ये रही BMW, बट ये देखो रात को ओस कितनी पड़ी हुई है, तो सब कुछ गीला गीला हो रखा है। अभी तो वैसे धूप निकल चुकी है, बाकी अभी चेन की हालत देखें तो गोल्डन से थोड़ी थोड़ी ब्राउनिश हो गई है। अब फटाफट से चेन क्लीन करते हैं, उसके बाद ल्यूब करते हैं एंड फिर निकलते हैं आगे। तो गाइस कोल्ड स्टार्ट करने वाले हैं, टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 8-9, देखते हैं सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होगी या नहीं। तो गाइस सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी RPM देखे तो भाई 2000 RPM पे बाइक चल रही है। अब ये थोड़ा स्लो डाउन होगा तो अपने आप से 1500 RPM पे पहुंच जाएगी बाइक। दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट जो है आ चुका है। हाँ जी सही है, ब्रेकफास्ट मस्त सही है, बढ़िया। चलो भाई खाना खाते हैं एंड उसके बाद करते हैं आगे निकलने की तैयारी। दोस्तों हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, तो ये मंदिर का एंट्रेंस होने वाला है। अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर के नज़ारे। गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड देख सकते हैं क्या ही खतरनाक मंदिर है भाई। वो देखो दोस्तों, हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं एंड आपको वो त्रिशूल दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखो इतनी ऊपर है ये त्रिशूल, और यहाँ पे मान्यता है कि कितनी ज़मीन पे ये गड़ा हुआ है ये त्रिशूल किसी को भी नहीं पता, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा त्रिशूल है ये। यह है वो फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर। सो दोस्तों ये था उत्तर काशी, आगे मंदिर था एंड यहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ आएंगे तो आपको इतना ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। देखो भाई क्या ही क्लियर पानी है, नीचे देख सकते हो भाई, अंदर तक पत्थर वगैरह जो भी रखे हैं ना सब कुछ दिख रहा है, और पहाड़ों के बीच में ये नदी इतनी ही सुंदर लग रही है। ऑल राइट दोस्तों, सो नाउ वी आर रेडी टू रोल। टाइम हो रहा है 11:20 और हमारी बाइक 413 किलोमीटर टोटल चल चुकी है दिल्ली से। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं नज़ारे खूबसूरत खूबसूरत। ये वैसे उत्तरकाशी की मार्केट है। हाँ जी दोस्तों, तो शहर हम लोग छोड़ चुके हैं एंड ये देखो कितने ही सुंदर नज़ारे शुरू हो चुके हैं, वो देखो। सो हर्षिल रह गया यहाँ से 68 किलोमीटर्स एंड गंगोत्री है 92 किलोमीटर्स, तो रास्ते बहुत ही सुंदर स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो भाई साइड में नदी चल रही है जो कि एक नंबर लग रही है यार। लिटरली मैं मन कर रहा है कि यहाँ पे बैठें थोड़ा सा ना रिवर साइड, कैंपिंग वैम्पिंग करें। तो ट्राई करेंगे कि हर्षिल में ऐसी जगह पे स्टे लें और बहुत ही सुंदर नज़ारे आप लोगों को दिखाएं। I'm
बाइक एक नंबर चल रही है, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दे रही है। फ्यूल अभी काफ़ी है, मतलब अच्छी खासी एवरेज भी निकल रही है पहाड़ों पे। देख लो ऐसे ऊपर चढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो गई है। दोस्तों आप लोगों को एक मस्त नज़ारा दिखाऊं, हमें बर्फ दिखने लग गई है। ऑलराइट, वो देखो गाइस सामने बर्फ के पहाड़, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यार, बहुत ही सुंदर। अभी दिखाता हूँ आपको यार, मेरे तो मतलब ऐसा होता है ना, आंखें खुश हो जाती है, वो सीन है। ये वाला पहाड़ थोड़ा पार हो जाए तब आपको मतलब दिखेगा, इतना ही सुंदर लग रहा था यार, मतलब मज़ा आ गया बर्फ़ देख के। दो पहाड़ों के बीच में से एक चोटी निकल रही है जिसपे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो देखो ऊपर टॉप पे, वो देखो टॉप पे बर्फ़ ही बर्फ़, कितना ही खतरनाक लग रहा है। टाइम हो रहा है अभी 12:50, मतलब ऑलमोस्ट दोपहर के 1 बजने वाले हैं। एंड हमें अभी यहाँ से ऑलमोस्ट शायद 50 किलोमीटर रह रहा होगा हर्षिल वैली, तो 50 किलोमीटर बाद नज़ारे कुछ और होने वाले हैं। और ये रोड्स ना उत्तराखंड के अंदर भी BRO के अंडर आ गए, तो बहुत तगड़ी रोड्स बनने वाली है, चौड़ी चौड़ी। बंजर पहाड़ थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए हैं, मतलब पहले तो जैसे यहाँ पे हरियाली थी बहुत ज़्यादा, बट अभी बंजर पहाड़ जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और बीच बीच में ऐसे ऑफ रोड तो आपको देखने को मिलेंगे ही, एक तरफ कितनी हरियाली और ये देखो दूसरी तरफ बिल्कुल बंजर। हम लोग मस्त लीनिंग लगाते हुए, कॉर्नरिंग करते हुए, अपोलो के टायर्स के मज़े लेते हुए आगे निकल रहे हैं। ये क्या UK 07 नंबर बुलेट, जिसमें पीछे वाली ने हेलमेट नहीं पहना है, विच इज़ अनसेफ, अनप्रोफेशनल, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की सी धूप लग रही है, तो राइड इज़ गोइंग सुपर अमेजिंग, मज़े आ रहे हैं। वाइज़र खोल के चलने पे भी मज़े आ रहे हैं और वाइज़र बंद करके चलोगे तो भी मज़े ही आ रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा गर्मी है ऐसा कुछ नहीं है, फन राइड हो रही है मतलब। सो दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक वाली जो रोड है वो स्टार्ट हो गई है, राइट साइड में बिल्कुल खाई है यार, मतलब देख सकते हो कुछ नहीं है, हम मतलब एक एज पे ही चल रहे हैं। अब ये डाउनहिल है, नीचे उतर रहे हैं हम लोग, मुझे लग रहा है उस ब्रिज से होते हुए हम दूसरे पहाड़ को कनेक्ट करेंगे। ओके, सो एक पहाड़ हमने छोड़ दिया है, अब हम दूसरे पहाड़ को कनेक्ट कर रहे हैं। ऑफ रोड ही ऑफ रोड। ऑलराइट दोस्तों, खड़ी चढ़ाई जो है स्टार्ट हो चुकी है, देखो पूरा इंक्लाइंड और साइड में से इतनी प्यारी नदी सी जा रही है ना, देखो झरना सा है, बहुत सही लग रहा है। अभी थोड़ी देर तक जो है चढ़ाई होने वाली है, उसके बाद जो है हर्षिल वैली के लिए रास्ता अलग से कट जाएगा, तब तक एंजॉय करते हैं हम इन रास्तों को। रोड की चढ़ाई जो है वो भी आप लोग देख सकते हो भाई, चौड़ाई जो है ना काफ़ी पतली हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि पता ही है ये वैली है, यहाँ पे ऐसे NH24 जैसी सड़कें तो नहीं बन सकती। ये देखो साइड में छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, और ये आई गेस टैक्सी स्टैंड टाइप का है। हर्षिल यहाँ से 31 किलोमीटर्स, बढ़िया मार्केट है, ढाबे वगैरह, और यहाँ पर कपड़े भी मिल रहे हैं ठंड के। ये देखो फुल चढ़ाई, ऊपर ही ऊपर चढ़ रही है बाइक। पिकअप में कोई कमी नहीं है, देखो देखो भाई थर्ड गियर पे थोड़ा सा लोड पड़ रहा है, सोच रहा हूँ सेकंड पे डाल दूँ, बट ठीक है हल्की हल्की रेस देंगे तो मोमेंटम बन रहा है। ये देखो बकरियाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं भाई, ये देखो कितना ही सुंदर लग रहा है और कितना ही ख़तरनाक लग रहा है ना, देखो भाई ऊपर ऊपर तक पहाड़ और ये ब्रिज बीच में, इतना सुंदर और इतना खूबसूरत लग रहा है। और नीचे जो पानी है ना,
बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मज़ा आ गया भाई देख के, मज़ा। यहाँ पे रोकने का मन है बट मैंने सोचा कि अभी नहीं रोकेंगे, कल हमें इसी रोड से वापस आना है तो तब रोक लेंगे। देखो क्या ही खतरनाक है, पानी चमक रहा है बिल्कुल, एकदम शाइन मार रहा है। ये देखो इसके नीचे बाइक लगा के धो भी सकते थे। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ से हर्षिल जो रह गया वो है 5 किलोमीटर। एंड ये देखो ऐसे हैं कुछ नज़ारे, वहाँ पे देखो हेलीपैड बने हुए हैं, मुझे लग रहा है वो प्राइवेट होगा, मतलब जो पर्सनल अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह या चॉपर्स वगैरह लेके आते होंगे वो वहाँ पे लैंड करवा सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ वगैरह करवा सकते हैं। बाकी नज़ारे तो बॉय एक नंबर, जब शेडो वाले पहाड़ आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, यहाँ तक कि उंगलियाँ भी ठंडी हो जाती है। मेरे तो एक लफ्स कुछ काम नहीं कर रहे अभी, मतलब जब शेडो वाले पहाड़ आते हैं जैसे वो वाले, और ऊपर है ना वो वाले देखो जहाँ पे धूप है वो सब बढ़िया है, जहाँ पे धूप है वहाँ पे एक नंबर, मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ अपने दोस्तों का, बहुत पीछे हैं वो लोग, जैसे ही वो आएंगे फिर उनके साथ आगे बढ़ेंगे हम। ऑलराइट दोस्तों, सो दिस इज़ हर्षिल वैली, ये हर्षिल वैली का एंट्रेंस है, यहाँ से हर्षिल वैली जो है स्टार्ट होता है और अगर हम सीधे चले जाएंगे तो है गंगोत्री का रास्ता, वो हम बाद में जाएंगे, बट अभी हम लोग हर्षिल वैली के लिए एंटर कर चुके हैं। मुबारक हो दोस्तों, मुबारक, बहुत ही सुंदर जगह, ये देखो क्या ही जंगल है यार अंदर, यहाँ पे टेंट लगाने में तो बहुत मज़ा आएगा। हम लोग आ चुके हैं हर्षिल वैली में और यहाँ पे हमने रूम ले लिया है, आपको बाहर से नज़ारे दिखा दूंगा, सबसे पहले आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखो चारों तरफ स्नो एंड वुडन में बना हुआ है ये पूरा रूम, रूम का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये सारा हमारा सामान, डबल बेड्स और बाहर बैठक भी बनी हुई है यहाँ पे, और यहाँ से व्यू दिखता है स्नो का, डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सब कुछ। बाकी यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, धूप आती है तो बहुत बढ़िया लगता है, एंड यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, बाइक हमने सारी बाहर ही खड़ी कर दी है।